हरकत में स्वास्थ्य विभाग। लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नैनीताल सीएमओ भागीरथी जोशी ने मलेरिया एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नगर का निरीक्षण कर भ्रमण किया। इस दौरान सीएमओ ने नगर के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर डेंगू और अन्य बीमारियों को लेकर लोगों से बात की और मरीजों के हाल को जाना। इसके साथ ही अम्बेडकर पार्क में स्वास्थ्य विभाग की और एक शिविर भी लगाया जिसमें लोगों की जांच की जा रही है। बताते चले कि लालकुआ में बेकाबू होते डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर हरकत में आ गया। लालकुआ में डेंगू के 4 नए मामले आने के बाद अब पूरे जिले में मरीजों का आंकड़ा 78 तक पहुंच गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में आसपास गंदगी और पानी इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई पर खास ख्याल रखें। नवभारत समाचार लालकुआ से आशा रावत की रिपोर्ट। प्रभावित लोगों के आसपास के घरों में सर्वे का कार्य हो रहा है। अभी यहाँ पे एक कैंप लगा रखा है अम्बेडकर नगर में। हो सकता है भाई दूज की वजह से अभी अटेंडेंस कम है। कल से नगर पालिका क्षेत्र में और उसके बाहर भी मलिन बस्तियों में हम कैंप का एक रोस्टर जारी करेंगे। डॉक्टरों के लिए ऊपर से लिखा है, महानिदेशालय से पत्राचार कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर 3 डॉक्टर्स हैं और व्यवस्था है। ये टाइप बी पीएचसी है, उसके मानकों के अनुरूप यहाँ पर हैं डॉक्टर्स। हाँ, आशाओं के द्वारा अभी घर घर सर्वे करवा रहे हैं हम लोग और मलेरिया विभाग की टीमें भी आएंगी इधर। डेंगू के कार टेस्ट 2 हमारे पास रिपोर्टेड हैं और 3-4 केसेस अभी प्राइवेट से हमें रिपोर्ट हुई है। तो 78 केसेस पूरे ज़िले में अभी तक एलाइजा के जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उससे रिपोर्टेड हैं। हाँ, अभी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है तो इस गतिविधि को पूरी तरीके से बढ़ाया जाएगा। अब लालकुआं फोकस रहेगा हम लोगों का भी। मैं 4 दिन पहले 2 केस का पता चला था तो उसी दिन यहाँ पे टीम भेज दी गई थी और हमें कल शाम को फिर 2 केस का पता चला है तो आज हमने टीम भी भेजी है, कैंप भी ऑर्गेनाइज कराए हैं। इसके पहले भी लालकुआं क्षेत्र, क्योंकि पहले भी इसमें केसेस आ चुके हैं पिछले सालों में भी, तो यहाँ पे हमने 2 नुक्कड़ नाटक बुध बाजार और शनि बाजार में करवाए हैं। उसके अलावा जो भी हमारी आशा हमारी टीम फील्ड में जाएगी वो हर घर में प्रचार प्रसार भी करेगी, उनको डेंगू के निरोधात्मक कार्रवाई के बारे में भी बताएगी और उसके साथ ही उनके घर में चेक करेगी कि कहीं पे पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से डेंगू हो रहा हो। मलिन बस्तियों के लिए देखिए पूरा स्वास्थ्य कैंप का रूस्टर है, उसके साथ ही हमारी टीम भी वहाँ पे जाएगी जिस जगह पे पहले भी कार्यवाही करी है, लेकिन अभी जो है जो कैंप लग रहे हैं उसके साथ साथ में टीम भी जाएगी, प्रचार प्रसार करेगी, वहाँ पे घर में स्प्रे भी करवाएगी और उसके बाद पानी इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा वो सारी भी जांच करी जाएगी। जनता से एक अपील है कि पहले तो घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो जो घर में आप पानी भरते हैं उसको एक तो ढक के रखें, जो घर में काम के लिए पानी है। उसके अलावा गमलों में कोई टायर वगैरह हो, कोई बर्तन जो बाहर रखा हो, मनी प्लांट है, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। उस पानी को अगर भरा हुआ है तो उसको खाली कर दें क्योंकि मच्छर इन्हीं जगहों पर पनपेंगे।